अक्सर जो है क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भारत कितने अक्षांश में और कितने देशांतर में। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल समझाने वाले हैं कि देशांतर कहाँ है और अक्षांश क्या है, ठीक ना। और इसका वैल्यू आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप अगर आप अच्छे से ध्यान देते। देखिए भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं। भारत का अक्षांश विस्तार है, देखिए यहाँ पे मैंने अपने नोटबुक को दिखा दे रहा हूँ, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, है ना। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। तब देखिए ये कहाँ है, यह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 कहाँ पे है, आइए हम दिखाते हैं मैप में। तो ये रहा हमारा मैप। अब देखिए ये जो मैप में इस प्रकार की लाइनिंग होती है, टेढ़ी टेढ़ी लाइनिंग, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेटी लेटी जो लाइनिंग ये खींची गई है ना, इसे कहते हैं अक्षांश, समझ गए। जो मैप पर इस प्रकार लेटी हुई लाइनें खींची हुई, जो सूती होती हैं, ठीक ना, इस प्रकार जो मैप पर इस प्रकार की लाइनिंग खींची होती हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ ऐसे लाइनिंग गया है, इन सभी लाइनों को अक्षांश कहा जाता है, जो ये इस प्रकार खींची गई है, ठीक ना। इस प्रकार क्षैतिज जो रेखाएं हैं मैप में, उसे हम अक्षांश कहते हैं। अब देखिए भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री 4, तो देखिए यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा होगा, 8। देखिए इस लाइनिंग की जो भारत के सबसे सामने वाली लाइन है ना, वो 8 लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना 8, देखिए हाँ 8। अब देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4, यानी कि 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी जो है हमारा 8 से थोड़ा सा ऊपर में है, इसलिए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, ठीक। 8 डिग्री 4 से लेकर कितनी अक्षांश तक, आप देखिए हम ऊपर में आपको दिखा रहे हैं, तो 8 डिग्री और ऊपर में जो लाइनिंग मिलता है यहाँ पे देखिए साइड में, यहाँ पे लिखा है 36, 36, तो 36 यहाँ पे आता है, और एक लाइन के दूसरे लाइन के बीच होता है 2 का अंतर, यानी 34, 36 और 38 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 38 नहीं है, और 36 और 38 के बीच में है ये लाइनिंग, ठीक। यहाँ पे हमारा रेखा सबसे अंतिम छोर है उत्तर का, तो ये किस में आता है, 37 डिग्री 6 पे, तो 8 डिग्री 4 उधर हो गया और इधर हो गया 37 डिग्री 6, ये हो गया अक्षांश विस्तार, ठीक। अक्षांश की स्थिति होगी भारत के, अक्षांश की स्थिति जहाँ समझ लिए, यहाँ पे 36 है तो इसके ऊपर में थोड़ा सा 37 होगा, और उससे भी थोड़ा सा हाईएस्ट में है, तो 37 डिग्री 6, ठीक। भारत का हो गया 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6, ये हो गया हमारा अक्षांश। अब हम जानते हैं देशांतर, ठीक। तो पहले तो बात समझ गए कि जो मैप पर टेढ़ी टेढ़ी सोई हुई लाइनिंग होती है, क्षैतिज मैप पर खींची गई क्षैतिज लाइनों को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। इस प्रकार की ये लाइन जो खींची गई है, इसे हम बोल देंगे अक्षांश। और मैप पर जो सीधी सीधी लाइनें खींची जाती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसे हम बोलते हैं देशांतर, ठीक। देखिए बहुत गाड़ी चल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मैप इसी जगह पे है और हम इसे थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो क्लियर नहीं आपको दिख पाएगा, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ चलेगा, ठीक। देखिए तो मैप पर जो सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, इसको हम बोलते हैं देशांतर, और सोई हुई लाइन जो सो गई हैं, जैसे ये लाइन सो गई तो इसे हम बोलेंगे अक्षांश, और जो सीधी लाइन है ये, इसे हम बोलेंगे देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है आपको मालूम है, चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, अपनी नोटबुक में देखिए, मेरी नोटबुक में है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25, ठीक ना। भारत का पूर्वी देशांतर है, भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। अब हम दिखाएंगे कि 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 कहाँ पे है, तो चलिए ये देखिए हमारा मैप है, अब हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखिए 68 लिखा है, देशांतर के लाइन में सबसे अंतिम हमारा जो देशांतर है, यस यहाँ पे 68 लिखा है, 68 लिखा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख रही है 68 68। तब इसके सीधा में देखिए ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे हमारा कच्छ गुजरात का जो सबसे अंतिम छोर है, यह कितना मिलता है, 68 डिग्री 7 पे, जी हाँ 68 डिग्री 7 पे मिलता है, 68 है उससे थोड़ा सा आगे भी निकल गया है यहाँ पे देखिए, तो इसको हम रखते हैं 68 डिग्री 7, ठीक। पूर्वी देशांतर से लेकर के कितना डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं 97 डिग्री 25 लिखा होगा, तो यहाँ पे देखिए 98 है हमारा अंतिम देशांतर लाइनिंग, देखिए 96 के बाद 98, और हमारा भारत यहाँ पे समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा 96 वाली लाइन, ठीक। ये हो गई हमारी 96 वाली लाइन, इससे यहाँ पे है, यानी कि 97 है हमारा, कितना, इससे दो लाइनिंग होता है तो दो लाइन तो हमारा पार हो जा रहा है, लेकिन 96 और 98 के बीच में है, यानी कि 97 है, ठीक। तो 97 डिग्री 25 का मान रखा गया है, एग्जैक्ट मान मैप पे, तो मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक।
एडजेक्ट मान इसका इस प्रकार नहीं निकाला जाता है, उसको कुछ और विधि अपनाया जाता है एडजेक्ट वैल्यू के लिए। ठीक, तो सारा कुछ आई होप कि आप समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से, भारत का स्थान से विस्तार कितना है। अब मैं आपको कर्क रेखा की स्थिति दिखा दूँ, तो ये रही हमारी कर्क रेखा। देखिए 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से लेकर के पूरे ये जो भारत के बीचों बीच में लाइन गई है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, ये देखिए इधर पूरा कर्क रेखा इधर यहाँ तक दिखाया गया। ठीक, भारत के कितने राज्यों में कर्क रेखा है आप हमें बताइएगा कमेंट में। अब देख लिए सारा कुछ, अक्षांश देशांतर समझ गए। इसी को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो बहुत इजी चीज़ है। मैप का अगर आप रखना समझ जाएंगे ना, एक बार रख लेंगे ना, तो सारा कुछ आइडिया आपके सामने आ ही जाएगा। मैंने बताया था कि आपको मैप, एक स्टूडेंट को कितने प्रकार के मैप रखने चाहिए, चलिए फिर से बता देता हूँ। पहला होता है आप विश्व का मानचित्र रखिए, दूसरा क्या रखिए आप अपने देश का मानचित्र रखिए, तीसरा अपने राज्य का मानचित्र रखिए, और चौथा अपने जिले का मानचित्र रखिए। चार प्रकार के मानचित्र एक विद्यार्थी को रखने चाहिए, और चारों मानचित्र किसका होना चाहिए, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, पूरा मानचित्र का वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए।